गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स. सो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आवर चैप्टर नंबर सेकेंड ऑफ इंग्लिश ग्रामर द सेंटेंस. आज हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड चैप्टर इंग्लिश ग्रामर का, जो कि है द सेंटेंस. स्टूडेंट्स, हम इसमें पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ेंगे. सेंटेंस के पार्ट्स भी होते हैं, सेंटेंस के काइंड्स भी होती हैं. तो होप आप कन्फ्यूज नहीं होंगे. आइए पहले स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ अ सेंटेंस. मैंने आपको इससे पहले एक चैप्टर पढ़ाया था जो बेसिक नॉलेज करके था, उसमें भी मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स व्हाट इज़ अ सेंटेंस. अ सेंटेंस इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. अ सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस एक ग्रुप होता है, वर्ड्स का ग्रुप. जैसे आपके लेटर्स होते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच, सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं, तो आप ये सारे अलग अलग हैं, आपको कोई सेंस नहीं देंगे. आप इनमें से पर्टिकुलर उठाइए, और जब आप पर्टिकुलर उठाएंगे तो पर्टिकुलर वर्ड लेटर्स के साथ आप एक वर्ड बना सकते हैं. जैसे सपोज डेट आपने अल्फ़ाबेट में से सी ए टी उठाया, ये हो गया कैट. अब आपको ये मीनिंग भी दे रहा है, कैट क्या होती है, बिल्ली होती है. अगर आप इसको ए सी टी है तो एक्ट है, एक्ट भी आपको पता है. ठीक, अब आप इसको टी ए सी कर दो. जो आपको सेंस दे रहा है वो वर्ड है, जो नहीं दे रहा है वो आपका अल्फ़ाबेट, या फिर आप लेटर ही कह सकते हो, या फिर जंबल वर्ड्स कह सकते हो, आप कुछ भी कह सकते हो. तो सेम ऐसा ही है, सेंटेंस वो होता है जहाँ पे आप जो हैं वर्ड्स को रीअरेंज करते हैं प्रॉपर मैनर में, जो हमें कंप्लीट सेंस देता है. वर्ड को प्रॉपर मैनर में रीअरेंज करते हैं, जो हमें कंप्लीट सेंस देता है, उसे सेंटेंस कहते हैं. चलिए आइए देखते हैं व्हाट इज पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी पार्ट्स डज अ सेंटेंस हैज, कि एक सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं. एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. ठीक, अ सेंटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक सेंटेंस जो है सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है. पहला है आपका सब्जेक्ट, दूसरा है आपका प्रेडिकेट. पहले आपने देखा सेंटेंस क्या होते हैं, फिर आपने देखा कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा आपका प्रेडिकेट होता है. अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है. द पार्ट ऑफ सेंटेंस अबाउट विच समथिंग इज सेड एंड इट इज कॉल्ड द सब्जेक्ट. सेंटेंस का वो पार्ट, एक सेंटेंस है, सेंटेंस का वो पार्ट जिसके बारे में पूरी सेंटेंस में बात की गई है, वो हमारा सब्जेक्ट कहलाता है. मतलब जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हैं, वो कोई नाउन हो सकती है, नाउन में आपके नॉन लिविंग थिंग भी आ जाती हैं, ह्यूमंस भी आ जाते हैं, प्लेस भी आ जाता है. ठीक, तो कुछ भी हो सकता है सब्जेक्ट जिसके बारे में आप करें. आप एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल, राम इज़ अ स्टूडेंट. राम एक स्टूडेंट है. स्टूडेंट कौन है, राम किसके बारे में बात हो रही है, राम की. तो राम इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. तो राम आपका सब्जेक्ट हुआ इस सेंटेंस का. ठीक है, तो आप जो हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट फाइंड आउट करना बहुत इजी है. आप जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है उसे आप सब्जेक्ट कहते हैं. अब आइए देखते हैं व्हाट इज प्रेडिकेट. द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट. जैसे ये सेंटेंस था राम इज अ स्टूडेंट, तो राम इसका सब्जेक्ट था. इज अ स्टूडेंट क्या था इसका, पूरा का पूरा प्रेडिकेट. जो पूरी बात आपके सब्जेक्ट के बारे में की जा रही है उसे आप प्रेडिकेट कहते हैं. जो पूरी बात, सेंटेंस की पूरी बात जो आपके सब्जेक्ट के बारे में की जा रही है, आप उसे प्रेडिकेट कहते हैं. एक सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं. पहले पार्ट में आप उसको ले आइए जिसके बारे में बात हो रही है, दूसरे पार्ट में आप उसको ले आइए जो बात हो रही है. आपका क्लियर हो जाएगा. सब्जेक्ट जिसके बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट जो पूरी बात सब्जेक्ट के बारे में की जाती है उसे प्रेडिकेट कहते हैं. आप नीचे एग्जांपल भी देख सकते हैं. डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट की एक फॉर्म है. तो किसके बारे में बात हो रही थी, डेमोक्रेसी के बारे में. डे एंड नाइट इज इक्वल फॉर ब्लाइंड्स. अंधों के लिए क्या है, दिन और रात एक जैसी हैं, बिल्कुल है उनकी, उन्हें तो दिखता ही नहीं है, तो उनके लिए दिन हो या रात हो एक जैसी हैं. किस किस की बात हो रही है, डे एंड नाइट, दिन और रात की. ग्रीडीनेस इज अ ग्रेट कर्स. लालच जो है ग्रेट कर्स है. क्या है, क्या ग्रेट कर्स है, लालच है, ग्रीडीनेस.
सो स्टूडेंट्स इस तरीके से आप फर्दर एग्जाम्पल भी यहाँ पर देख सकते हैं, आगे इसमें फर्दर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एंड स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज, आप इसकी एक्सरसाइज जो हैं वो भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। होप स्टूडेंट्स आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, और सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो स्टूडेंट्स ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज ऑफ दिस एंड इन आर नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो सेंटेंस की काइंड्स होती हैं वो क्या होती हैं। सो स्टूडेंट्स थैंक यू।